अरे यार ये देख यार गिर गया भाई। मैम पहाड़ उस पे बनाएंगे बर्फ का गोला। इस पे गाड़ी चलाते हुए ना फुल पावर एकदम तबाही वाला। वो खड़ा कुछ नहीं होने वाला यार। गाड़ियां फंस गई यार और ये पानी इतना ठंड गया। अरे यादव भाई क्या ओ बे बहन इसमें टकराव में लग रहा है इसकी वजह से बच गया भाई। एक यहाँ लगी देख यार कि यहाँ को बताओ यार सुना ही नहीं दे कहाँ पे भाई रेगिस्तान वगैरह में तो नहीं आ गए भाई हम। ऑफ रोड हमें इतने ज्यादा मिला ना भाई हम परेशान आ गए थे ऑफ रोड से ना। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग होप करता हूं आप सब एकदम से बढ़िया होंगे। तो गाइस आप बढ़िया हो लेकिन मैं बिल्कुल भी बढ़िया नहीं हूं क्योंकि यहां पे जिस लेवल की ठंड हो रही है ना भाई रात से लेके अभी तक भाई हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। हमारे हाथ काम नहीं कर रहे और हमारा शरीर भी ना हमारा साथ नहीं दे पा रहा क्योंकि यहाँ पे ना एक तो ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी हो रखी और तुम देख सकते हो भाई देखो वहाँ भी पहाड़ों पे सब जगह भाई बर्फ ही बर्फ है। हवा जिस लेवल की चल रही है ना और भाई अभी हम अपनी बाइकों पर लगेज वगैरह बांध रहे सब अब एक दूसरे की हेल्प करा रहे ठीक है। ये भाई की सेंटा और ये हमारी ZX10R और ये हमारी जैरी और ये तुम्हारे भाई की भाई बुलेट। भाई इस गाड़ी ने मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया ना इतना ज़्यादा साथ दिया भाई बहुत ज़्यादा। तो भाई अब इसी कुछ ऐसा रहने वाला है भाई हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि तुम्हारा भाई फिर भी तुम्हारे भाई ब्लॉक कर रहा है और भाई पता नहीं आ रहा कि आगे क्या सीन है क्या नहीं। भाई अभी ना कुछ भी नहीं पहुँचे यार अभी जब लद्दाख जाएंगे ना और ज़्यादा अभी हम कुल कितने पता नहीं 3000 फीट की ऊंचाई पे जो इतना ज़्यादा ठंडा है और आगे का पता नहीं भाई अभी क्या सीन होगा भाई क्योंकि भाई जो हमारे मोड है ना मतलब हेड में इतना पेन हो रहा है और हाथ तो काम नहीं कर रहे भाई बिल्कुल। फेस भी आपको दिख रहा होगा भाई फेस एकदम से रेड हो चुका है लेकिन बट तुम्हारा भाई ब्लॉग करेगा तो आप ना भाई ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आगे जाके मैं आपको लद्दाख की ना पूरी लोकेशन दिखाऊंगा और यहाँ का मैं अगर आपको पानी दिखा दूँ ना भाई पानी भी जम रहा है बिल्कुल। अभी मैं आपको पानी दिखाता हूँ भाई यहाँ का देखो पानी कैसे जम रहा है। सो भाई ये चीज़ चेक कर सकते हो भाई ये रोड पे पड़ा हुआ ना भाई पानी है ये देखो जो रात में ना बिल्कुल जम गया था वो आप पानी के आइडिया से ये पता लगा सकते हो भाई यहाँ पे कितने और किस लेवल की सर्दी होगी। अभी आपको मैं बैक वाली लोकेशन दिखाता हूँ देखो देखो भाई सामने ही बर्फ वहाँ पे ही बर्फ ठीक है। ये देखो रही वाला अभी हमें यहाँ से आगे जाना है देन उसके बाद फिर भाई मैं यहाँ से निकलते हैं भाई अपनी बाइक वगैरह लेके और भाई सामने ना नदी है वो देखो भाई दिख रहा होगा तुम्हें वाइट वाइट वो पूरी जम रखी है भाई हालत इतनी ज्यादा खराब ना मैं आपको क्या बताऊँ भाई। हमने देखो ये भाई पहन रखी है बरसाती बरसाती इसलिए पहन रखी है बारिश वगैरह तो हमें कहीं पर नहीं मिली यही जगह मिली थी वो भी हिमाचल में नहान की साइड बट कोई नहीं यार लेकिन बरसाती इसलिए पहन रखी जिसके जिससे इसके अंदर हवा ना जाए क्योंकि हवा अगर अंदर जा रही है ना तो शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा अंदर राइडिंग जैकेट है उसके अंदर गर्म है ठीक है। नीचे शूज वगैरह गर्म डबल डबल सॉक्स पहन रखी भाई भाई मैं बता देता हूँ इतना आसान नहीं है भाई लद्दाख आना। जो भी कोई भाई मेरी वीडियो देख रहा होगा ना अगर किसी को लद्दाख आना है भाई एकदम से प्रॉपर गर्म कपड़े ले गए एयर प्रूफ और जिससे भाई आपको ठंड वगैरह ना लगे क्योंकि भाई हमारा फर्स्ट टाइम था हमने जो ये गलती की ना वो गलती आप ना करो। तो गाइस मैं आपको मिलता हूँ सीधा मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। सो गाइस अभी हम यहाँ से निकलने के लिए फुल पावर एकदम से रेडी है भाई यार ये ग्लव्स में ना हाथ काम नहीं कर रहे यार तो भाई तुम्हारा भाई चल रहा भाई आगे आगे वो आ जाएंगे क्योंकि ऐसा है ना अगर कोई प्रॉब्लम होती हो पीछे से हमें देख लेंगे भाई कसम से यार यहाँ पे ना आना मैं तो मजाक सोच रहा था भाई पहले पहले इससे पहले कि यार कोई दिक्कत नहीं है यार लद्दाख में लेकिन हकीकत में असली जर्नी का पता तो भाई अभी चला है यार ठंडा इतना एक तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पे ना कहीं पे भी ग्रीन व्यू कहीं पे नहीं मिलेगा पेड़ पौधा घास फूस कुछ नहीं मिलेगा भाई आपको। नदी देख रहे पूरी जाम और मतलब जम रखी है भाई ये पूरी बर्फ से ना इतना ठंडा है भाई यहाँ पे और एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन ना ऑक्सीजन की कमी इतनी ज़्यादा महसूस हो रही बहुत ज़्यादा मतलब सांस नहीं आ रही और एक हाँ गाइस पता नहीं भाई हम लद्दाख पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे भाई क्योंकि भाई हालत ना ये जो हवा चल रही ना हालत ख़राब कर रही है भाई हवा देख रहे तुम भाई हमारे जो तिरपाल है ना वो भी कैसे उड़ रहे हैं थोड़ा सा पूरा पै गया भाई बोलना भी नहीं जा रहा यार मैं क्या बोल रहा पता नहीं चल रहा यार हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है और हाथ हाथ का तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा हमारे पास हाथ है भी नहीं है इसलिए मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा जिससे थोड़ा सा शरीर के अंदर मतलब शरीर मेरा गर्म हो जाए लेकिन भाई सच्ची में भाई कसम से यार बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई भाई यहाँ पर ये देख रहे यादव भाई तो भाई बिल्कुल डाउन हो गए इनका तो भाई कुछ करना पड़ेगा भाई आगे जाके। तो भाई
थोड़ा सा अभी हाथ पैर गर्म करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। भाई भाई को भाई साहब, भाई चक्कर आ गया यार, भयंकर यार। अभी चल खड़ा हो, खड़ा कुछ नहीं होने वाला यार, खड़ा हो, खड़ा हिम्मत रख थोड़ी। सो भाई चेक करो भाई, हम कहाँ पे आ चुके हैं। भयंकर भाई यहाँ पे भर रहा है भाई पानी। चला चल चल चल, जाएगी जाएगी, एक मिनट सर, चल 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 भाई। यहाँ पे भाई गाड़ियाँ फंस गई यार, और ये पानी इतना ठंडा है ना भाई, अगर जूते गिल्ले हो गए ना गलती से भी तो भाई मामला खराब हो जाएगा भयंकर। ओफो भाई, और आगे आगे देखो भाई कैसा कैसा रास्ता, और ये पुल देख रहे हैं आप कैसा वाला है। ओहो भाई, वो भाई कैसे आवाज कर रहा है यार ये। ओहो भयंकर भाई, ओफो भाई हालत खराब हो गई। और सुबह सुबह ना भाई मॉर्निंग में भाई ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया। अभी देख लो ट्रक के पीछे पीछे चल रहा है यार बिल्कुल ही भयंकर। चलो भाई साफ रोड तो मिल चुका है भयंकर भाई, उसमें से क्रॉस करने से हालत खराब हो गई इतने में क्रॉस करने में। कहाँ पे आए हम भाई, पैंग है अभी 76 किलोमीटर। ठीक है हमारे सर खड़े हुए भाई, रोक लिया भैया मैं, अभी देखते हैं भाई क्या सीन है। अच्छा वो गाड़ी का नंबर वगैरह नोट कर रहे यार, तो भाई गाड़ी का नंबर वगैरह नोट कराते हैं। और भाई ये जो यहाँ की जो रोड है ना, इन पर ना टायर वगैरह भी स्लिप हो रहे हैं भयंकर। तो भाई अभी हम निकल रहे हैं भाई आराम। अबे ओए क्या हो गया, अरे या तो भाई क्या, ओबे भयंकर यार भाई, मैं बोल ही रहा था यार भाई। भाई तू ठीक है ना भाई, उठा यार, तुझे कह रहे थे जो तबीयत खराब है, तू निकला क्यों वहां से भाई। यार कुछ हुआ तो नहीं पहले देख, तू ठीक है ना। भाई साहब भाई देख रहे तुम भयंकर भाई, इसमें टकराव में लग रहा है, इसकी वजह से बच गया भाई ये। भाई तू ठीक है ना, सुन तू ठीक है ना, पानी दे पानी, उल्टी जैसे मन हो रहा, उल्टी उल्टी को छोड़, अगर बाइक चल रही चला ले, नहीं रहने दे रहने दे, एक काम कर उन्हें उन्हें बुला लेते हैं आराम। पहले सुन, हाथ पैर ठीक है तेरे, पा देख यहाँ लगी देख यार, इसने लैग गार्ड भी लगा रखे थे भाई, क्या बंदा यार भाई, आराम से चल यार। मेरी बात सुन, तेरी बाइक में है पेट्रोल, तू आराम से चल, कुछ हो गया ना उसमें आग लग जाएगी साइलेंसर में से। भाई तुम देख रहे यार, मैंने अपने बाइक में वो पेट्रोल वगैरह कैरी कर रखा यार। भाई यार थोड़ा हल्का चल यार ये तुक भाई, आराम से चल भाई। भाई इसकी वजह से बच गया, ये देख भाई ये घिस गया इसका यहाँ पे, और ये घिसा हुआ भाई, ये पेट्रोल वगैरह भी लीक हो गया भयंकर भाई, लगेज वगैरह सब बच गया। देखो ये देख रहे तुम, ये टायर में निशान, इसने यहाँ से ना भाई लीन की होगी भाई बाइक, क्योंकि यहाँ पे जो रोड पे है ना छोटे छोटे भाई कंकड़ वगैरह पड़े हुए, हल्की सी भी लीन करते हो ना और ब्रेक मारते हो तुरंत जाओगे भाई तुम। भाई पानी वगैरह पिला यार इसे, गरम है पानी, खाद दे। हाँ हाँ पिला, पानी देख के पी आराम से पीना। बाइक देख के स्टार्ट कर, अरे बाइक तो हो जाएगी यार, तू बाइक का छोड़ दो कोई नहीं, लाइट तो नहीं खराब यार, नहीं नहीं अरे हो जाएगी भाई, तू अपना देख यार, तू पानी वगैरह पी भैया। एक मिनट अबे न्यूटन कर लो, एक मिनट यार इसको रुक जा, न्यूटन हो गई, स्टार्ट करके देखते हैं बाइक। भाई बाइक नहीं स्टार्ट हो रही यार, भाई ये क्या करा लिया यार। हुई हुई हुई, हो गई हो गई, अरे हो गई हो गई, एक मिनट रुक जा, हो गई भाई 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 बाइक स्टार्ट हो गई भाई। कसम से अगर यहाँ पे बाइक खराब हुई ना भाई किसी की, भाई यहाँ पे ना ज्यादा नहीं कहता 300 किलोमीटर तक भी कोई पेट्रोल पंप नहीं है, और तुम सोच सकते हो
आस पास ना तो मैं कोई घास भी नहीं दिख रही होगी भाई, देख रहे इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। सुनो धीरे धीरे चलते आगे जाके अपनी बाइक वगैरह दिखाएंगे ठीक। और एक तो यार यहाँ पे ना हमारे फोन के ना नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं आ रहे भाई, हम किसी को फोन नहीं कर सकते। कल से हमारे फोन में कोई नेटवर्क नहीं आए, आगे जाके ले में हमारे फोन के नेटवर्क आएंगे। अभी 250 किलोमीटर है, हम किसी को कॉल नहीं कर सकते। और फोन की जो बैटरी है ना, फोन की बैटरी गोप्रो की बैटरी भाई, ये ऑटोमेटिकली डाउन हो रही है ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब सर्दी में ना क्या होता है बैटरी ना बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी डाउन होती है। और बोलते टाइम इतने ज़्यादा सांस फूल रही ना यार, तो मैं क्या बताऊँ भाई, मैं कसम से भाई अभी मुझे पता है भाई यहाँ पे आके कैसा फील हो रहा है यार। बाकी जो चेक करो भाई, ट्रक ही पलट गया भाई पूरा भाई, यहाँ पे रास्ते इतने खतरनाक है भाई, ट्रक यहाँ पे भाई बाइक ले आने में बहुत खतरा है। सो गाइस बाइक देखो भाई कहाँ को लेके आ रहे भाई, बहुत ज़्यादा थक गया भाई मैं भाई। ओफ यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी महसूस हो रही भाई, हमने भी अपनी बाइक यहीं को चढ़ाई, मेरी बुलेट तो एकदम से चढ़ गई। ओहो चल 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 भाई, एक बाइक तो चढ़ गई। अरे यार ये देख यार गिर गया भाई, मैं कर रहा था, मैंने रोक ले तू भी, मैं तेरे को बोल नहीं रहा था कि यहाँ को मत आओ यार, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें बहन चो। ओ उठा उठ तो उठ, रोक ले यार, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, यहाँ को ना आइयो भाई। बस ठीक है, छोड़ दे ब्रेक भी छोड़ दे, रुक जा इंडिकेटर। चल इतने तो वैसे भी लग रहा है, मैं मना कर रहा था यहाँ को ना आओ, नहीं पता क्या काम कर भाई। यहाँ पे भाई हमारा दूसरा क्रैश हो चुका है भाई, देख रहे बाइक पे कितनी स्क्रैच वगैरह आ गई यार, इंडिकेटर भी टूट गया, हालत देखो यार भाई की भयंकर भाई, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। शॉर्टकट लेने के चक्कर में मैं भी यहीं कोई आया, मुझे उधर से निकालने में उधर से लाने में 5 मिनट ना लगती, यहाँ को उतारने में मुझे आधा घंटा लगा। इनको मैं मना कर रहा था, इनको मेरी कोई आवाज़ नहीं आई, बहुत ही स्पीड चलाया, जैसे इसने ब्रेक मारे तुरंत गिरा, वो सही हुआ, भाई को चोट नहीं आई। बाकी यार ये बच गया बाइक वगैरह तो कोई चक्कर नहीं, बन जाएगी यार। लेकिन सो गाइस अभी हम बाइक यहाँ को चढ़ाने वाले हैं भाई, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है बाइक पे, बहुत ज़्यादा लगेज है, एक बाइक हमारी वहाँ पे फंस गई, मैं चेक करके देखता हूँ भाई बाइक चढ़ती है नहीं चढ़ती, चढ़ जाएगी आई थिंक, चढ़ जाओ यार, चढ़ जा भाई चढ़ जा, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा भाई, गए निकल गई भाई साहब। भाई मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी यार, कसम से यार बिल्कुल भी, क्योंकि कसम से जिस लेवल की ऑफ रोड है ना भाई यहाँ पे, R15 पे आ गए, एक बाइक हमारी पीछे रह गई। ओ यार सो बाइक को निकल भाई, एक मिनट आ गए। सो गाइस एक बार नज़ारा चेक कर लो भाई, कहाँ पे भाई, रेगिस्तान वगैरह में तो नहीं आ गए भाई हम, भयंकर यार भाई। आज तक भाई साहब मैंने फोटो या वीडियो में देखा था, बट आज भाई रियल लाइफ में देख लिया भाई मैंने, हालत देख रहे तुम भाई की हालत क्या हो रखी, और भाई तुम्हारे भाई की तो इससे बदतर हालत हो रखी भाई, कसम से यार, मतलब मैं एक्साइट, मतलब मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा भाई, मैं सच में यार, मतलब मैंने फोटो या वीडियो में देखा था, बाकी वो देख रहे भाई सामने भाई क्या टनल से बन रखी है भाई, पहाड़ से भाई, ये कितने बड़े बड़े पहाड़ है भयंकर टनल। सो गाइस अभी हम रुके हुए थे भाई पांग में कुछ इस तरीके की लोकेशन है यहाँ पे भाई, हमने अपना कुछ खाया पिया ठीक है, और यहाँ पे ना सभी जो भी यहाँ पे आते हैं ना मोटो व्लॉगर, सबने अपने स्टिकर लगाए, यहाँ पे हमने प्रो राइडर 1000 के स्टिकर लगा दिया, एक वहाँ पे लगा दिए और दो वहाँ पे लगा दिए, तो
तो गाइस अब यहाँ से निकलते हैं आगे। आज हमें मतलब लद्दाख में होना चाहिए था, बट कोई नहीं, हम सोच रहे लेह से पहले ना हम वहाँ पे स्टे करेंगे अपने टेंट वेंट। भाई पता नहीं क्या हुआ, हम टेंट वेंट सब कुछ लेके आ रखे थे, मैगी वगैरह अपने खाने पीने का सब कुछ अरेंजमेंट लेके आए थे, लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर है ना उसको देख के भाई टेंट वेंट तो लगाने का भाई बिल्कुल भी मन नहीं किया यार, क्योंकि हालत कल ना कल तीन तीन कंबल थे भाई हमारे पास, ठीक है। और भाई नेट की वजह से ना मैं अपने व्लॉग ना मतलब दो दिन तो भाई मैंने रेगुलर व्लॉग किया, ठीक है, देन उसके बाद भाई मैं अपना कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा। लेह में जाके भाई मेरे को एक पोस्टपेड सिम लेना ही लेना है भाई, क्योंकि अगर भाई मैं व्लॉग नहीं डालूंगा तो आपको भाई मैं कैसे बता पाऊंगा कि अभी हम कहाँ पहुँचे कहानी। तो गाइस मिलता हूँ आपको सीधा आगे। गाइस एक बार ये वाली लोकेशन भी चेक करो भाई, है कहाँ भाई हम बैंकर भाई, भाई कुदरत ने भी क्या ही चीज बनाई यार भाई साहब, अरे भाई क्या ही चीज है यार, ओफो भाई चेक करो यार भाई, आस पास तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कोई घर नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ना कुछ लिखा हुआ उर्दू में लिखा हुआ यहाँ पे, और ये देखो भाई यहाँ से नीचे जाके एक नदी है बट उसमें बर्फ जम रखी है, सामने बर्फ का पहाड़, उस पर बनाएंगे बर्फ का गोला, पता नहीं कब बनाएंगे लेकिन बना देंगे भाई। देख लो एक बार आप लोकेशन, देख लो भाई लोकेशन कितनी ज़्यादा प्यारी है। और भाई अगर आपको ये वाली लोकेशन अच्छी लगी हो ना भाई, वीडियो को जरूर लाइक कमेंट शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना भाई चैनल को कर देना भाई सब्सक्राइब, ठीक है। तो निकलते हैं आगे, अब दिखाऊंगा मैं कोई आगे बहुत प्यारी सी लोकेशन आपको ना, ठीक है। रोड चेक करो भाई कितनी प्यारी मिली भाई, अब लद्दाख वाली रोड है ना जो, और ये देखो भाई व्यू भी कितना ज़्यादा प्यारा है, स्ट्रेट रोड है भाई, सीधी चलाते जाओ भाई। ऑफ रोड हमें इतना ज्यादा मिला ना भाई, हम परेशान आ गए थे ऑफ रोड से ना, बट अब जो लोकेशन हमें मिली है ना भाई एक नंबर मिली है, रोड भी बहुत ज्यादा। सो गाइस जब आने वाले हमें लद्दाख का असली मजा, बाकी आप रोड चेक करो भाई मजा आ रहा है इस पे गाड़ी चलाते हुए ना, फुल पावर एकदम तबाही वाला सीन है भाई, देख रहे भाई भयंकर, इधर भी पहाड़ इधर और बीच में रोड एकदम से वो भी और स्ट्रेट भाई, कितनी खींच लो भाई बाइक, और सुपर बाइक तो भाई यहाँ इस तरह आ रखी भयंकर खतरनाक, अभी BMW गई BMW चल। सो फाइनली गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी पहुंच चुके हैं हम कुछ इस तरीके की लोकेशन पे, बाकी देख सकते हो ये हमारी तीनों चारों बाइक्स। तो भाई जो हमारे साथ के राइडर्स थे ना वो रह चुके हैं भाई पीछे, तो भाई हमारे मेरे GoPro की बैटरी हो चुकी है बिल्कुल डेड, क्योंकि सर्दी में GoPro की बैटरी भी चल नहीं पा रही, और भाई शाम भी मतलब रात हो जाएगी भाई, अभी देखते हैं हमें कहाँ पे स्टे वगैरह करना है, अगर GoPro में थोड़ी बहुत ही बैटरी चार्ज करके हो गया जहाँ पे स्टे करेंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलता हूँ आपको सीधा किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग को शेयर करो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।